मैं हूं रंजित पाल और आप देख रहे हैं पाल ऑटोटेक मोबाइल एंड मैकेनिक। आज हम दिखाने जा रहे हैं करिश्मा आर गाड़ी का मेन इंजन, मेन चैम्बर, गियर बॉक्स फिटिंग। गियर चैम्बर और ये रहा गियर पिनियन। तो इसको हम अभी फिटिंग करेंगे गियर बॉक्स करिश्मा आर मॉडल गाड़ी का। ये रहा दोनों पिनियन, इसको पहले सेट करके देखते हैं कि सेट होता ही नहीं ऐसा, मतलब देखिए दोनों पिनियन सेट हो गया गियर पिनियन। इसके बाद इसका जो रोकर है, गियर का रोकर, वो हम बिठाएंगे। इसमें तीन तरह की रोकर रहता है, पहले वाला एक नीचे रहता है, ये वाला बीच में रहता है और ये वाला ऊपर रहता है। ऊपर और नीचे दो रोकर रहता है, यहाँ इस साइड में बड़ा वाला पिनियन में और छोटा वाला रहता है इस साइड में। और नीचे वाला लग गया, अभी मिडिल वाला है, मिडिल वाला लगेगा इस तरफ। मिडिल वाला लगाने के वक्त थोड़ा सावधानी से लगाइए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो पिनियन अपने आप गिर जाता है। ये वाला है लास्ट, जो आखिरी वाला है, ये वाला सबसे ऊपर रहता है। इन तीनों के बीच में गजन पिन, बड़ा सा एक गजन पिन रहता है। ये वाला जो गजन पिन है, ये इनको ऑपरेट करती है, मतलब सीधा रख के ऑपरेट करती है। अभी देखिए, अब पूरा तीनों के तीनों गियर पिनियन सेट हो गया है। अभी न्यूट्रल पोजीशन में गाड़ी है। इसका ऊपर एक छोटा सा वॉशर रहता है। ये दोस्तों, ये वॉशर का भी भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी के ऊपर भी एक वॉशर रहता है, ये देखिए। कभी ये सब पहले जब आप गियर बॉक्स खोलते हैं ना किसी का गाड़ी का भी, तो पहले उसके गियर बॉक्स, वॉशर वगैरह ये सब चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो इसी से आपका गियर में तकलीफ आ जाएगी। अभी देखिए, अभी हम इसको क्रैंक लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी तो गियर पिनियन सेट हो गया, उसके बाद हम सेट करेंगे क्रैंक। इंजन फिटिंग जिसको बोलते हैं, एक्चुअली इंजन फिटिंग इसी को बोलते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी क्रैंक लगेगा। ये गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रैंक। अगर इसमें ये चीज़ ख़राब हो जाता है तो गाड़ी का हर एक पार्ट ख़राब होता है, इसलिए इसको सही। थोड़ा जाम है, फर्स्ट
अभी देखिए रंग फिटिंग हो गया। अभी हमें इसको पैकिंग लगाना है, पहले चेक कर लेते हैं सब सही तरह से बैठा हुआ है या नहीं। पैकिंग लगाते हैं। गैसकेट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों, क्योंकि अगर गैसकेट में कोई ख़राबी आ जाता है कि अगर कोई फट जाता है इसको जब लगाते हैं ना तब सावधानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर गैसकेट में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपका ऑयल लीक करने का चांसेस रहता है, इसलिए तो गैसकेट को थोड़ा ध्यान से लगाना चाहिए। ये रहा दूसरा चैम्बर। अभी इसका अंदर थोड़ा हम इंजन ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि जब ये मालिश पर पसंद है, जब ये लगेगा आसानी से जैसे घुस सके, इसी ऐसी बनानी चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल दे देते हैं, क्योंकि अभी चैम्बर इंजन का जो मेन चैम्बर है उसको लगानी है। अभी ये इंजन चैम्बर फिटिंग करेंगे दोस्तों। ये लग गया चैम्बर, इसमें थोड़ी जो नीचे का किट है थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बिठाने के बाद, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोस्ट देखिए दोस्तों, आप जब इंजन फिटिंग करते हैं ना हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब इंजन चैम्बर को पीटते हैं कहीं से भी अगर कोई जा नहीं रहा है इसे पीटते हैं, उसे हमेशा लकड़ी की चीज़ या रबर का या अल्मीनियम का जो हमर आता है उसी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो गाड़ी चैम्बर के लिए कभी टूटेगा नहीं, वो अच्छा रहेगा। अभी हो गया है, ये चैम्बर फिटिंग हो गया है, इसको हम टाइट करेंगे, नॉट वगैरह बोल्ट लगा, नॉट बोल्ट लगा। होल्ड कर देंगे, जब चैम्बर का बोल्ट आप लोग टाइट करते हैं ना उसी को भी थोड़ा सावधानी से देखिए, क्योंकि ये सब बराबर टाइट होता है, क्योंकि ये अकेले की बात नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब होती है। देखिए दोस्तों, अभी इंजन फिटिंग हो गया, मतलब गियर सेक्शन पिनियन सेटिंग हो गया। अभी गियर चेक कर लेते हैं। गियर चेक कर लेते हैं, यदि गियर नहीं दिखता है वो तो कैसे क्या मेरा था। ये रहा एक नंबर, सर ये रहा न्यूट्रल, ये रहा एक नंबर, ये फिर न्यूट्रल, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, चार नंबर, ये पांच नंबर की
मतलब गियर भी सही हो गया है। अभी न्यूट्रल हो गया दोस्तों, गियर सेक्शन फिटिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा गियर सेक्शन फिटिंग कंप्लीट फुल्ली। इसी तरह दोस्तों हम इसका पार्ट बाय पार्ट, आज जैसे गियर सेक्शन बनाए, कल क्लच सेक्शन का, उसके बाद बोर पिस्टन टाइमिंग, एक एक करके सब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।